فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

मुसलमानों का मश्रकों का यहूदियों का, कायों का मुनाफिों का लेकिन इस मुबारक शुर मुबारकंदर समझिए तकरीबन सभी आयतें मुसलमानों को आदाब सिखाती हैं एक साल और नेक मुआरह अच्छी सोसाइटी के लिए क्या क्या उमूर ज़्यादा ज़रूरी हैं उन सब की तरफ भी तोजो दिलाई गई है और दूसरा खासकर यह है अल्लाह के रसूल का जो एहतराम और आपकी जो हजमत मुसलमानों के दिलों में होना चाहिए खूस उसको बहुत अहमियत के साथ बताया गया है इसलिए ये पूरे सोरा बहुत ही बाबर का शुरा है और मुसलमानों के लिए एक अच्छा मुशरा एक अच्छी सोसाइटी फार्म करने के लिए बहुत सारे आदाब बताए गए हैं फरमाते अल्लाह ताला मुसलमानों पहला ये ख़िताब है मुसलमानों से है वो लोगों जो ईमान लाए अय मुसलमानों लातकद्दमु बीन दिल्ला रसूली अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ कर कोई इकदाम ना करो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारो बेश अल्लाह तला सुनने वाला भी है और सब के हाल को जानने वाला भी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़कर कर इकदाम करना इसका बहुत मतलब हो सकता है ये एक मतलब यह कि दीन के अहकाम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल बताएं उसको नज़रअंदाज़ करके तुम अपनी मनमानी ना करो अपनी तरफ से कोई शरीयत की तरह क़ानून बना के उसके पाबंद ना हो जाओ बहुत बेहतरीन बात है मुसलमानों को चाहिए कि हर मामले में दीन के बाद दीन का हुक्म जानें और फिर उस पर अमल करें शादी का मसला हो मई का मसला हो तरक़े का मसला हो कोई भी मसला हो शरीयत के बाद पहले जानना चाहिए शरीयत क्या कहती है और अल्लाह के अल्लाह अल्ला और अल्लाह के रसूल का हुकुम क्या है उसके बाद वो काम करना चाहिए ये ना करके भाई ये सब होता नहीं इस ज़माने में कुरान हदीस सिर्फ देखते रहेंगे तो कैसा हम जिंदगी गुजारेंगे ये अगर वो जान बूझ कर और कुरान और हदीस के हकारत में नाकदरी में ऐसी बात करते हैं वो काफिर हो जाएंगे लेकिन गफलत में ऐसे कहते हैं या एक अनजाने में ऐसे कहते हैं तो हो सकता है कि अल्लाह माफ़ करे अगर वो तोबा कर लें तो वरना तो बहुत बड़ा गुना है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़कर कोई ना काम कोई काम ना करें कोई चीज़ अभी शरीयत के हुक्म नहीं शरीयत का हुक्म नहीं आया उस ज़माने में मसलन तो उस काम को कर दिया कैसा वैसे हो गया अब इसमें वो बात नहीं है कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम जब हज किए तो हज में ऐसा होता है तरतीब के साथ जो काम करने हैं मीना से जाते हैं अरफात को अरफात से आते हैं मुजदलिफा को मुजदलिफा से आते हैं फिर मीना को मीना को आते वक्त चार काम करने पड़ते हैं एक तो यह है शैतान को कंकरी मारना दूसरा यह है कुर्बानी करना तीसरा यह है कि बाल निकालना चौथा यह है तवाफ़ करना जाके मक्के में चार काम करने पड़ते उस दिन अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से आके बहुत सारे साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल मुझे मालूम नहीं था मैंने बाल निकाल दिए कुर्बानी से पहले कहा इफल वाला हरज परवानी जी कोई बात नहीं करो किसी ने कहा अल्लाह के, अल्ला के रसूल मैंने कुर्बानी कर दी और कंकरी भी नहीं मारा कहा कोई बात नहीं जी करो किसी ने कहा अल्लाह के रसूल में जाकर कर पहले तवाफ़ जियारत कर लिया और उसके बाद ये सब काम किया मुझे मालूम नहीं था कहा जाओ जी कोई बात नहीं ये उसमें नहीं आता ये गोया चार काम है तरतीब इसकी ज़रूरी नहीं है सब जानते थे चार काम करना है शरीयत की तरफ से बताया भी नहीं गया था पहले ये करना पहले ये करना पहले ये करना ऐसे नहीं बताया गया था साहबा ने सोचा भाई ये कहा चारों काम करने हैं तो आगे पीछे कर लिए तो ये उसमें नहीं आता अब लोग इससे ये दलील पकड़ते हैं नहीं आज भी मालूम नहीं था कर दिए अब मालूम है ऐसी तरतीब से करना पहले शैतान को कंकरी मारना क़ुरबानी करना बाल निकालना उसके बाद तवाफ़ करना ये तरतीब के साथ करना आज भी लोगों ने कुछ ज़रूरी करार दिया है लेकिन यह तरतीब अल्लाह के रसूल ने फरमाया आइंदा मत करो ऐसा अगर बोलते तो ठीक था लेकिन अल्लाह के रसूल ने बोला कोई बात नहीं जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं इसलिए आज भी अगर कोई आदमी इसके आगे पीछे कर देता है तो कोई हरज़ की बात नहीं है ये मैंने कहा कि ये उसमें नहीं आता जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म आने से पहले अपनी तरफ से कोई काम कर लो उसमें यह नहीं आता है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को जानकर कोई काम करना चाहिए इससे बहुत सारी बुराइयों से बचेंगे बहुत सारे गुनाह के कामों से बचेंगे यहाँ तक भी हम कहेंगे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो शरीयत हमको दी है वो आसान बना के दी है उस पर हम लोग अमल कर सकते हैं उसके अंदर कोई सख्ती नहीं है कोई बड़ी पाबंदी नहीं है कि जो हमारे नफ्स पर शाख गुजरे मुश्किल गुजरे आसान है लेकिन कोई आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को दिए उससे ज़्यादा करें यह भी ग़लत है ये भी ग़लत है नबी करीम वसल्लम के ज़माने में तीन आदमी आए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से मिलकर कुछ बातें पूछने के लिए अल्लाह के रसूल वसल्लम घर में नहीं थे हज़रत ने पूछा कि अल्लाह के रसूल घर में आके क्या करते हैं फिर उसके बाद पूछा कि साहब रात में कितनी इबादत करते हैं और महीने में कितने दिन रोज़ा रखते हैं अगर तयशा रज़ी उन्ना ने जो बताया उनको ठीक बताया कि अल्लाह के रसुल घर को आते हैं घर के काम काज भी करते हैं बकरी का दूध दोह लेते हैं चप्पल वगैरह बनाना है तो उसको भी बना लेते हैं कपड़ा सिलना है तो उसको भी पैवन लगा लेते हैं ये सब करते हैं अच्छा ये दुनिया काम है क्या ऐसा एक आदमी ने सोचा दूसरी बात कितनी नमाज पढ़ते हैं कहा कि अल्लाह के रसूल सोते भी हैं और उसके बाद उठकर कर भी पढ़ते हैं पूरी रात नहीं पढ़ते कहा अच्छा पूरी रात नहीं पढ़ते क्या तीसरे ने पूछा रोज़ा कहा कि अल्लाह के सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम महीने में तीन दिन का रोज़ा रखते हैं और उसका पेर और जमेरात का रोज़ा रखते हैं का इतना ही कहा वहीं बैठ तीनों आदमी ने तय किया मैं जो है ज़िंदगी भर रोज़ा रखूँगा एक रोज़ा भी नहीं छोड़ूँगा ऐसे एक आदमी ने कहा दूसरा आदमी ने कहा मैं रात भर तहजद पढ़ूँगा एक मिनट भी नहीं सोऊँगा। वो अल्लाह के रसूल थोड़ा करे तो भी उनको बहुत सवाब मिलता है हमको उतना करने की ज़रूरत नहीं ना तीसरे आदमी ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा जी शादी करो तो बीवी बच्चे ये सब अल्लाह की इबादत के रास्ते में रुकावट बनेंगे ना ये तीनों आदमी ऐसा बोल कर गए थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए तो हदर तायशान ने उनको बताया कि अल्लाह तीन आदमी आते ऐसे ऐसे कहा अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन एक आदमी को भेजा जाओ जी वो तीन आदमी कहा है उनको बुला कर लाओ अल्लाह के रसूल मस्जिद में तशरीफ़ ले गए कहा कि तुम लोग तो उन्हें ऐसे कहा।, कहा हाँ अल्लाह के रसूल हमने कहा कहा मेरा नमूना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है मैं जितनी इबादत करता हूँ वह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ सबसे ज़्यादा अल्लाह की बातों पर अमल करने वाला हूँ अगर कोई आदमी मेरे तरीक़े को नहीं अपनाता है वो मुझसे नहीं होगा मैं रोज़ा भी रखता हूँ नफिल रोज़े रमज़ान का नहीं नफिल रोज़े रखता हूँ और कितने दिन रोज़ा नहीं रखता से फ़रमाया आपने फिर दूसरी बात आठ फरमाई औरतों से शादी किया जी मेरी कितनी बीवियाँ हैं और तुम लोग शादी नहीं करोगे और कहा कि मैं रात में तोजुद भी पढ़ता हूँ सोता भी हूँ आराम भी करता हूँ ना अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरी सुन्नत से गोया तुमको मोहब्बत नहीं है गोया तुम मेरी सुन्नत को नहीं चाहते तो देखिए इबादत ज़्यादा करने का उन्होंने आहत किया था कोई गलत काम का नहीं किया था अच्छे काम का किया था लेकिन वह भी चूँकि अल्लाह के रसूल के बताए हुए सुन्नत से ज़्यादा है इसलिए उसको नहीं करना चाहिए ऐसे बहुत सारे वाक़ आते हैं यहाँ जो मना किया गया है वो अगरचे के कुछ ख़ास बातों में जो गुनाह तक पहुँचाता है ये गुनाह तो नहीं है लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है उसको भी हम मद्देनजर रखेंगे बहुत सारी गलत बातों से बचेंगे गलत बातों का मतलब ये है काम तो करेंगे सवाब नहीं मिलेगा जैसे कोई आदमी रात भर नमाज पढ़ता है अब वह दिन भर सोता रहेगा अल्लाह ने नींद को भी आराम का जरिया बनाया है व जा नकुम सुबह था हमने तुम्हारे नींद को तुम्हारे लिए आराम का सबब और ज़रिया बनाया है दिन भर सोता रहेगा क्या कमाएगा क्या खाएगा क्या पिएगा ज़ोर की नमाज में भी सोता रहेगा असर की नमाज़ में भी सोता रहेगा तो नफिल पढ़ के फ़र को चट कर जाएंगे ना ऐसे होगा ऐसे बहुत सारी बातें हैं लिहाजा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो हमेशा अल्लाह के रसूल का हुक्म जानने की कोशिश करो कि अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं क्या फरमाएँ कैसे करने कहा है कितना करने कहा है हर चीज़ में अल्लाह के रसूल की ताबेदारी करो उनके पीछे चलो उनके से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो दूसरी बात जैसे मैंने कही कि सब कोई अगर ये कहे कि शरीयत की बातों पर अमल करना सहाबा के लिए मुमकिन था हमारे लिए मुमकिन नहीं जी हम सब ऐसा कैसे करेंगे अल्लाह ने तो कहा लाकल्लफ़ल्लासन अल्ला अल्लाह ने जो शरीयत की बातें नाजिल की हैं वो सब के करने के सिर्फ सिर्फ़ा के नहीं अगर वैसा ही हो तो साहबा रोज़ा रखते थे रमज़ान का तो हम क्या दस दिन का रोज़ा रख लेंगे अरे साहबा तीस दिन का रोज़ा रखते थे उनके लिए ऑफिस नहीं थी उनके लिए दफ्तर नहीं था उनके लिए कॉलेज नहीं उनके लिए स्कूल नहीं था उनके लिए ड्यूटी नहीं थी हम कैसा भाई हम तीस दिन का रोज़ा नहीं रख सकते तीन दिन का रोक रख के ख़त्म कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना इसलिए अल्लाह ने कहा लाकल्फ़ुल्लाउनबसन अल्लास् साहब अल्लाह का ला क़ानून अल्ला यह है कि इंसान को जितनी ताकत है उतना ही अमल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है उससे आगे भी नहीं उससे कम भी नहीं करना चाहिए कम अगर कर दिया कुछ भी तो खैर अल्लाह माफ़ करेगा तोबा करेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदा अमर तो बे अमरन फातु तुम हो मस्ता तुम वा नह तो नमरन फनता मैं अगर किसी काम का तुमको हुक्म दो जितना कर सके उतना करो और अगर किसी चीज़ से मना करो पूरी तरह रुक जाओ ये नहीं कि आधा कर लिया हराम और आधा छोड़ दिया ऐसा नहीं वो तो पूरा छोड़ देना है आप कैसे अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया जितना हो सके करो जैसे कोई आदमी है खड़े होकर फ़र्ज नमाज पढ़ना चाहिए अब वो खड़े होने की ताकत नहीं है तो बैठ कर पढ़ो जी बैठ कर पढ़ने की ताकत नहीं है तो फिर लेट कर पढ़ो ऐसे अल्लाह के रसूल के ने सहूलत दी है ना तो ये भी सहूलत है अल्लाह के रसूल की तरफ़ से लिहाजा आदमी को चाहिए कि साहब शरीयत के हुक्म पर बिला कमो कास्त अपनी ताकत के मुताबिक अमल करे इसमें कोई कोताही ना करे और इसमें कोई गफलत ना करे लातम व रसूली अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो हर चीज़ में अल्लाह के रसूल का हुक्म देखो कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है अल्लाह ने क्या कहा है ये सब चीज़ें अगर शरीयत के अंदर आ जाएंगी तो मुसलमानों की ज़िंदगी बहुत सीधा सादा ज़िंदगी हो जाएगी और अल्लाह के प्यारे बंदे बन जाएंगे जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक बेहतरीन निका वो है जिसमें ख़र्च कम हो ऐसे खदीस है ना आज़मन का ही बरकता ऐसा ऐसे अल्फाज बदल बदल कर आए एक हदीस में साहसन दर्जे की है अगर चेक कुछ हदीस ज़ीफ़ दर्जे के भी है अब अल्लाह के रसूल ने शादी को मुख्तसर बनाया और साहब ख़र्चेला नहीं बनाया इसरा फजूल खर्ची से बचने के लिए कहा आज हम मुसलमानों को देखें शादी में कितना खर्च करते हैं जी कितने लाख रुपए? ये करोड़ साठ लाख सत्तर लाख शादी का वो बुक समझिए शादी की जगह कितना भाई किराया उसका बारह घंटे का तीन लाख रुपया पाँच लाख रुपया आठ लाख रुपया सिर्फ किराया जी और दावत करेंगे कितने लोगों की दावत करेंगे उसका कितना खर्चा आएगा वो पैंतीस लाख रुपये की दावत हुई कितने आइटम रखे यह हुआ नौब क्या क्या करते हैं और कितने शादी के रुखे छापते हैं कितने क़ीमती रुखे छापते हैं एक रुख़ा मामूली रुखा हो तो पैंतीस रुपये आज कल के ज़माने में ज़रा भारी रुखा हो डेढ़ सौ रुपया सवा सौ रुपया किस किस डिज़ाइन का छापते जी अल्लाह अकबर देखो ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के के हुक्म से आगे बढ़ने की कोशिश है ना बरकत नहीं होगी जैसे ऐसे निका में बरकत नहीं होगी और जो कमाई है वो तुमने हलाल तरीक़े से अगर कमाया है ऐसे फजूल ख़र्ची नहीं करोगे क्योंकि आजकल लोग जो है हराम हलाल हर हल तरीक़े से कमाते हैं इसलिए ख़र्चा करते वक्त भी उनके दिल में कोई बात नहीं आती कि साहब हम जो ख़र्च कर रहे हैं अल्लाह के हम पूछना है क्या पूछ होगी क्या अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वन लही मिन आई नक तसबहु वफ़ी माँ अनफो किसी आदमी का कदम अल्लाह के आगे से नहीं बढ़ेगा जब तक कि अल्लाह पाँच चीज़ों का हिसाब उनसे ना ले ले पहला तो यह है उम्र कैसे गुजारे जवानी कैसे बिताए माल कहाँ से कमाए कहाँ ख़र्च करे और जो दिन की बातें थी उन पर अमल करें ये पांच सवाल हैं। इसके अंदर हमने कहा माल कहाँ से कमाए और कहाँ ख़र्च किए कितना बड़ा सवाल है जी ये तो देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नसीहतों पर आपकी बातों पर अमल करने से ज़िंदगी में बरकत होती है घर में बरकत होती है मुसलमानों की ज़िंदगी सीधा सादा हो जाती है और मुसलमान जो है किफायशियार भी बन जाते हैं और ये सब काम ये सब पैसे अगर नेकी के रास्ते में ख़र्च करें तो कितना ख़र्च होगा जी कितनी क्या क्या हो जाएगी इस मुल्क के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियाँ बना सकते हैं कितने मदारस बना सकते हैं दीन की तालीम के लिए क्या क्या कर सकते हैं बहुत कर सकते ना करते नहीं हैं मुझे याद आता है कि कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं आम तौर पर ऐसा होता है कि अपने बच्चों को किसी हजरत को रख के घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं स्कूल में तो कुरान वग़ैरह नहीं पढ़ाते आमतौर पर अब ये कुरान पढ़ाने के लिए जो मौली साहब आते हैं उनको माहना तीन सौ नहीं तो पाँच सौ रुपया देंगे और वो भी आएंगे मौली साहब तो कहेंगे बच्चा सो रहा है Uh, कल आइए कल गए तो मालूम हुआ कि नहीं बच्चा खेलने गया आज कल आइए खैर उनका तो कोई नुकसान नहीं उनका तो तीस दिन के मिल जाएंगे पाँच सौ रुपये लेकिन अगर मैथ्स वाला आ जाए टीचर या एक हिसाब वो साइंस वाला आ जाए बच्चा सोता भी रहे तो उसको जगाएंगे अरे टीचर आ गया चलो जल्दी पढ़ो जाके उनके पास बैठो और उसी तरह नहीं नहीं आज नहीं जाना खेल कूदने के लिए वो साइंस के, के टीचर आ रहे हैं इंग्लिश के टीचर आ रहे हैं मैथ्स के टीचर आ रहे हैं ऐसा उनको रोकेंगे और उनको देंगे कितना इनको 500 दिए उनको 3000 देंगे एक दिन को एक घंटा पढ़ाए आधा घंटा पढ़ाए सौ रुपये के हिसाब से उनको तीन हज़ार रुपया देंगे इनको पाँच सौ रुपया देते हैं आपने देखा कि साहब दीन की खिदमत करने वालों के लिए कोई भी उनके नज़र में है क्या जगह ये माल वहाँ ख़र्च नहीं कर सकते क्या भाई मौली साहब हैं ज़रा गरीब भी हैं उनके भी बीवी बच्चे हैं उनका भी खर्चा है उनकी भी शादी सबूण है बच्चों की अगर उनको दे दें तो क्या हरज है कोई सोचता क्या नहीं दुनिया इतनी ज़्यादा प्यारी हो गई जो भी दुनिया के पीछे पड़ेगा वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बातों पर अमल करने से गुरेज़ करेगा अल्लाह अल्लाह के रसूल के बातों पर अमल नहीं करेगा लिहाजा बहुत बातें इसके अंदर आ जाती हैं आप जितना इसको वसी करते जाएँ अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए आपके कपड़े का जायज़ा लीजिए आपके फ़ैशन का जायज़ा लीजिए अपने रस्म रिवाज का जायज़ा लीजिए क्या हमारी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े पर चलती है नहीं बहरहाल अल्लाह ताला ने व तखल्ला अगर वाकई तुम्हारे दिल में तखवा है और तखबा की पहली शरीयत शर्त यह है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म अमल करना और उसके मुताबिक चलना के तकवा की पहली शर्त है अगर कोई आदमी इन बातों को नजरअंदाज कर देता है उसका मतलब यह है कि उसके दिल के अंदर तखवा नहीं है वो मुत्तकी नहीं कहलाएगा अल्लाह से डरने वाला उसको हम नहीं कह सकते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का एहतराम करने वाला उसको नहीं कह सकते बेशक अल्लाह बेश हर बात को सुनता है और तुम्हारे दिल के इरादों को भी जानता है इसलिए कभी ऐसा होगा कि दीन के बातों पर अमल करने के लिए करेंगे लेकिन दिल राजी नहीं होता दिल राज़ी नहीं होता यह एक बहुत बुरी बात है अल्लाह ताला ने फरमाया फ़लाह औरबिका ला मिनोन हत्म का मा शा बेन तुम मलाजोफ़ी مما खबा कोई वसलिम तस्लिम तुम्हारे रब की कसम ये लोग अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो भी थे साहबा तो दिलो जान से दिन की बातों पर अमल करते थे लेकिन कुछ मुनाफिक टाइप के लोग थे तो उनके मतलक अल्लाह ने कहा हरगज़ ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते यहाँ तक कि आपके फ़ैसले को बखुशी ना मान ले, बखुशी अल्लाह बोले क्या अल्लाह के रसूल बोले क्या आमन्ना वसदखना हताना व समाना ऐसा उनके दिल में आना चाहिए तो मैंने कहा कि कुछ लोग शरीयत की बातों पर अमल करेंगे क्या अभी शरीयत इतना तंग करके रखी है हम हाथ खोल के खर्च करना चाहते हैं शरीयत कहते है, मुट्ठी बांधो क्या ऐसे है ये ग़लती है और हिमाकत है बेवकूफ़ी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो कुछ हमको बताया है दुनिया और आखिरत में काम आने वाली चीज़ है सवाब वाली चीज़ है इसका ख्याल करें